हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, स्वागत है आपका नैनीताल से। तो चलिए आज फिर से एक बार देखते हैं नैनीताल का सीज़न और नैनीताल कैसा हो रहा है। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी पन पार्क पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोहरा लगा हुआ है पूरा। तो झील हमारी पूरी डूबी है कोहरे में। अभी चलते हैं उस साइड भी। तो हरियाली छा चुकी है, जगह जगह ग्रीनरी हो रही है बरसातों की, ये देखिए। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा मौसम देखते हैं, थोड़ा सा टूरिज्म। तो कुछ ऐसा है हमारा शहर। तो चलिए पहले इनसे मुलाकात कर ली जाए। ये हमारे मुल्ला जी जो कि बड़ी अच्छी अच्छी जैकेट्स लाते हैं, तो इनसे जैकेट लेने ज़रूर आइए। कलेक्शन आया है नया, देखिए। ये देखिए कलेक्शन दिखा रहे हैं, ये देखिए। तो इनका खास डायलॉग है मक्खन पीस, है ना? ये मक्खन पीस है। ये देखिए डायलॉग में आ चुके हैं अपना। तो यहाँ पे आइए, इनसे जैकेट ले सकते हैं, अच्छी अच्छी जैकेट्स देते हैं। धन्यवाद। तो चलिए, मुलाकातों का सिलसिला तो चलता रहेगा क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आ रही हूँ इस साइड, तो लोग तो मिलते ही रहेंगे। अभी फ़िलहाल देखिए मौसम बड़ा मस्त सा हो रहा है, कोहरा छाया है पूरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कहीं पर भी, सब कुछ ढक चुका है। तो ऐसे मौसम को लोग बड़ा इन्जॉय करते हैं। तो आज कुछ वीडियोस देख रही थी मैं, पुराने किसी ने रील्स बनाई थी, नैनीताल में बहुत गर्म है, नैनीताल बहुत बेकार है और सो एंड सो। तो मैं उनसे बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब आके यहाँ पे देखें कि कैसा मौसम है यहाँ पे। तो गर्मी तो इस बार सब जगह ही पड़ी है, सब जगह हीट वेव थी, पहाड़ों में भी थी, लेकिन अब आके देखें नैनीताल कैसा हो रहा है और बताएँ कि कैसा है। तो एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि नैनीताल बेकार है और ऐसा है, भीड़ है, ये है, वो है, तो यार भीड़ तो बाहर के लोग ही आके करते हैं यहाँ पे, आप जैसे लोग ही करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा क्रिप कर रहे हैं कि नैनीताल शहर अच्छा नहीं है, तो हम तो यहाँ हमेशा से रहे हैं, हमें तो पसंद ही है, इसीलिए हम यहाँ रहते भी हैं। लेकिन जो गंदगी ज़्यादा होती है, भीड़ भाड़ होती है, वो आप जैसे लोगों से ही होती है जो बाहर से आते हैं। तो सॉरी अगर किसी को बुरा लगे इस बात का, लेकिन बात तो यही सच है। बाकी कुछ इस तरह का सौंदर्यकरण हुआ है नैनीताल में, जो कि बहुत ही बकवास और बेहद ही भद्दा लग रहा है। तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े जालियाँ बना दी गई हैं, जैसे कि जू में होंगे सारे लोग। तो फिलहाल व्यू तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये जो व्यवस्था है ये शहर में किसी को भी पसंद नहीं आ रही है, बहुत ही गंदा लग रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जगह नहीं छोड़ी गई है बाहर निकलने के लिए। तो इस तरह का सौंदर्यकरण हम शहर वालों को नहीं चाहिए। अगर कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है प्रशासन से, तो बस ये कहना चाहेंगे कि ऐसा सौंदर्यकरण हम शहर वालों को नहीं चाहिए। तो नमस्कार, अगर आप कुछ ब्यूटिफिकेशन करते हैं तो शहर वालों से भी राय ली जाए कैसा ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए, जो हमारा पहाड़ का ऑथेंटिक हो, जो नैनीताल लगे हमें वैसा ब्यूटिफिकेशन हमें चाहिए, ऐसा नहीं जो प्लेन्स जैसा दिखाई दे। बारिश के चलते पर्यटक थोड़ा सा कम हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आराम से चलने को मिल रहा है, वरना यहाँ पे बहुत ही कंजस्टेड जगह हो गई है। लेकिन अभी फ़िलहाल आज थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि बारिश का अलर्ट भी है 3 दिन का अलर्ट है, और कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा बारिश का अंदेशा है। फिलहाल मौसम बना ही हुआ है बारिश का। तो आज स्कूल्स में सारी छुट्टियां थी, लेकिन अभी उतनी बारिश नहीं हुई है आज, कल हो सकता है बारिश ज़्यादा हो। तो चलिए गुरुद्वारे के दर्शन कर लेते हैं काफ़ी दिनों के बाद। तो थोड़ा इस साइड भी घूम लिया जाए, वैसे तो कीचड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना घूमने लायक जगह नहीं है, पर आज सामने दिखाई दे रहे हैं बोबो भैया। तो चलिए बोबो भैया को पकड़ा जाए आज सबसे पहले। तो देखिए बोबो भैया नज़र आ चुके हैं। हेलो, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हूँ।
तो देखिए इनके चेहरे पे इतनी अच्छी रौनक आई है कि मजा आ गया देख के। थैंक यू। आपको भी, हमारे व्यूअर्स को भी। काफी दिनों के बाद आज मुलाकात हुई है आपसे, क्योंकि आप बहुत यात्रा करने लगी है इस वक्त, है ना। 3 से 4 राउंड आपका हो चुका है, तो अभी नैनीताल में काफी ज्यादा मौसम खराब होने लगा क्योंकि ट्रैकिंग से आप आ चुके हैं। तो जैसे आते हैं तो मुलाकात हो ही जाता है हमारा, है ना। तो मौसम देखिए आज तो बहुत खराब, अभी 3 दिन का अलर्ट भी है। अलर्ट बताया गया क्योंकि स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है, तो उस हिसाब से बारिश नहीं हो रही है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, स्कूल में छुट्टी होगी तो बारिश नहीं होगी, बिल्कुल। तो या इसी तरह का रहता है, मजाक टाइप का होता है मौसम, कभी भी खराब कभी भी साफ हो जाता है। तो मौसम के लिए जानकारी देना उचित नहीं लगता हमें, लेकिन रेड अलर्ट बताया गया। चलो नैनीताल में नहीं हो रहा था, किसी और एरिया में हो रहा होगा, लेकिन अलर्ट है। चलिए धन्यवाद, आपने जानकारी दी, थैंक यू। चलिए दोस्तों मंदिर के दर्शन भी कर लिए जाएं। तो ये है अनमोल यानी ये ज्ञानचंद जी महाराज। तो ज्ञानचंद जी महाराज अभी किस चीज का सेवन कर रहे हैं? जल का सेवन कर रहे हैं। गुनगुना जल। वैसे घूमता रह गए ठंडे में। और ये हैं इनके दूसरे ज्ञानचंद जी, इनका नाम क्या है? योगेश। और इधर हमारे जीजा जी हैं। हेलो जीजा जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। कहाँ हो रही है घुमाई? कहीं नहीं, बस भूटिया मार्केट में मजे ले रहे हैं। गुड। और इधर है पवन जी, बालों को सहलाते हुए। अनमोल बहुत आश्चर्यचकित हो गए, कुछ पूछ रहे थे। अनमोल कुछ कहना चाहोगे? क्या पूछे था? नहीं, तुम बोलो, कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मैं कहते जो आपने भी है। आज जो आपका एग्जाम था, सुना हमने आपसे, सुना मतलब कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा रहा। काम वाम कैसा हो रहा आपका? बस ऑक्सीजन लग चुका है, हल्का काम ठीक है। तो अभी कहीं जाने का विचार है आपका? घूमने कहाँ जा रहे हैं? घूमने जहाँ मन करेगा। ओके। तो ये एग्जाम पास करके तुम क्या 9th में पहुँच जाओगे ना? राइट, बिल्कुल सही जी अजी, इस बात के लिए आपके लिए तालियां हो जाएं। बच्चे ही तो है, छोटा सा लगता है अभी, क्लास 9th में लगता है। अपने लिए खुद तालियां बजा रहे हैं। तो हम वापस आ चुके हैं मार्केट में, और यहाँ पे चल रहा है नेवर एंडिंग कैरम, हमेशा की तरह चलता ही रहता है जो। और इधर बैठे हैं अक्रमदा, पीठ करके बैठे हैं इसलिए अभी ज़्यादा नहीं जा रही हूँ मैं, इधर ऐसे ही दिखा देते हैं उनको। ये रहे अक्रमदा जो कि भाव खा रहे हैं, देखो। अब हेलो बोला इन्होंने, धन्यवाद आपका, आपने हेलो बोला। तो यहाँ पे हो चुके बारिश, और अब चलते हैं घर की तरफ। तो बारिश के बीच अब वापसी है हमारी, तो चलिए करते हैं वीडियो यहीं पे एंड, और मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय।